आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मूली और प्याज के पराठे। मूली मैंने कद्दूकस कर दिए, प्याज मैंने बारीक बारीक काट दिए और यहाँ पे है धनिया और लहसुन के पत्ते। ये लहसुन के पत्ते हैं, धनिया मैंने बारीक से कट कर दिया है। इसको मिलाएंगे, फिर कट करेंगे इसमें हरी मिर्च। तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। हमारा पराठा भी तैयार हो गया है और ये कल का हलवा था, इसमें हमने थोड़ा और दूध डाला और ये है हमारा ब्रेकफास्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो अभी मैं नहा धो गई हूँ और क्या कहते हैं, अभी बैठ गए हैं धूप में विटामिन डी खाने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हो गई है स्टार्ट। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं आई है, क्योंकि मेरे कुर्ती से पता लग रहा हुआ, अभी हमने वुलन वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है। बस सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ठंड होती है तो तब स्वेटर पहन लेते हैं। सुबह तो पहनो या ना पहनो, लेकिन शाम को थोड़ा पहन लेते हैं, क्योंकि शाम को थोड़ा बाहर भी हम घूम लेते हैं तो बस। लेकिन मुझे सच्ची बताऊँ तो इतनी ठंड नहीं लग रही है मतलब, और यहाँ पे तो लोगों ने बिल्कुल गर्म कुर्तियाँ वुर्तियाँ सब निकाल दिया है। सो अभी मैं धूप में बैठी हुई हूँ तो मैं सोच रही हूँ, मैंने एक काम सुबह छोड़ा हुआ था तो अभी वो मैं कर लेती हूँ। जो मम्मी लोगों ने दिवाली में दिए वगैरह जलाए होंगे ना, तो हम ना उनको मतलब फेंकते नहीं है, उनका रीयूज़ करते हैं। पिछली बार तो मैंने सिर्फ साफ किए थे, तो जैसे मंदिर वंदिर जाते हैं, शनि भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हम दिया जलाते हैं, तो फिर ये दिए काम आ जाते हैं। और मतलब ठीक है, हम ऐसे जला सकते हैं दिए, पिछली बार तो मैंने सिर्फ साफ करे थे, तो इस बार मैंने क्या किया, गर्म पानी में इनको डिप कर दिया, ऊपर से सरफ वगैरह डाल दिया है और ऑलमोस्ट मतलब दिए साफ हो गए हैं। बस इनका थोड़ा ये है कि जहाँ पे दीप जलता है वो काला काला मिटता तो नहीं है, तो लेट्स गो। और ऐसे आप सब भी दियों को रीयूज़ कर सकते हो, मतलब दियों को फेंकने से तो अच्छा है कि उनका यूज़ कर लिया जाए। तो छोटी सी बाल्टी में भिगोए थे मैंने दिए, देखो पिछली बार के तो थोड़े ही दिए थे, ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे देखो पूरे साफ हो गए हैं। ये तो मुझे लग रहा है शायद जलाया भी नहीं होगा। ओह अच्छा, नहीं थोड़ा बहुत जो इनका काला काला है ना वो भी वैसे साफ हो गया है, ये देखो। मैं कह रही वो तो जलाया भी नहीं होगा, ये देख सकते हो आप। गाइस अभी मैंने दिए रख दिए हैं धूप में सुखाने के लिए, और जब दिए सूख जाएंगे तो मैं उन्हें डब्बे में पैक कर दूंगी। और आज हमें जाना है शादी में, तो शादी में हमें जाना है जल्दी, मतलब जाएंगे हम 4-5 बजे। और अंदर ना मेरा कुकर सीटी मार रहा है, क्योंकि मम्मी ने ना मेरी खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी ने भिगो रखी थी राजमा और आज हमने मूली के परांठे भी खा लिए, पता नहीं देखते हैं, क्योंकि राजमा से ना हैवी हो जाता है पेट, शादी में भी तो खाना ही है फिर तो। तो अभी पहले मैं लगा लेती हूँ फटाफट से नेल पेंट। इट्स नॉट रानी, इट्स डार्क पिंक। अब चलो कोई नहीं, अब लगा दी तू, क्या करना है, मुझे ज़्यादा शौक है भी नहीं वैसे नेल पेंट का। सो अभी ना दिए सूख गए हैं और अक्षु देखो यहाँ पे, मैंने उसको बोला कि पन्नी लेके आओ अंदर से, तो पन्नी लेके आया है और पन्नी में फटाफट से भरने लग गया है। अक्षु सब डालो ठीक है पन्नी में, ठीक है पन्नी नीचे रखो पहले। अभी सारे दिए डाल देगा अक्षु पन्नी में, फटाफट से डालो फटाफट, आराम से डालने, फूट जाएगा नहीं तो। हाँ डालो उसमें, डालो डालो। अभी दिए ना पूरे सूख गए हैं, मतलब पूरा बिल्कुल ऑयल वगैरह पूरा निकल गया है, दिख ही नहीं रहा, पूरा ऑयल वगैरह ही देख सकते हो आप, पूरा निकल गया है इसका। और कुछ दिए तो बिल्कुल साफ़ हो गया है, जैसे इस
ये वाला दिया, लेकिन कुछ रह गए हैं अभी, पर चलो कोई नहीं। सो गाइस, अभी हमने खा लिया है खाना वगैरह भी, और खाना भी हमने थोड़ा थोड़ा खाया है क्योंकि राजमा की दाल बनाई थी तो ना हैवी हो जाती थोड़ा सा। और अभी हम करेंगे शादी की तैयारी। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने हेयर स्ट्रेट, और मैंने अपने नेल पेंट लगाई थी ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अभी देखती हूँ मैं कोई और कोई दूसरी मिलेगी तो दूसरी लगाऊंगी, मतलब दूसरी है बट मुझे समझ नहीं आ रही है। तो लेट्स गो गाइस, बाल सो अभी हो गए हैं मेरे हेयर स्ट्रेट भी, और हेयर स्ट्रेट करने के चक्कर में मेरी दो उंगलियां जल गई। मैंने यहाँ पे स्ट्रेटनर लगाया, उसके ऊपर से मैंने ऐसे दो उंगलियां फेरी और बस। अरे देखो, बाल तो मेरे अच्छे हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वही बढ़ते नहीं है थोड़ा। सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी मतलब सिर्फ साड़ी ही पहनी है मैंने, और अभी करूँगी मैं थोड़ा बहुत मेकअप। बताओ, सब पहले मेकअप करते हैं फिर साड़ी पहनते हैं। मैंने पहले साड़ी पहनी क्योंकि साड़ी में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो अभी मैंने अपनी साड़ी तो मैंने खुद ही पहन ली है। मम्मी गई है अभी पार्लर से अपनी साड़ी लगवाने के लिए, तो बस तब तक जब तक मम्मी आती है तब तक मैं थोड़ा सा मिनिमल मेकअप कर देती हूँ। अदरवाइज आई डोंट लाइक मेकअप, मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है यार। और देखते हैं अभी, क्यों अपनी स्किन ख़राब करनी ना, शीशे यहाँ से अच्छी स्किन तो मेरी यहाँ शीशे में चमक रही है। तो लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने किया है थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा सा मेकअप, और ये है मेरा पूरा लुक। और अभी मैंने बहुत पहन ली है वाली साड़ी, अब मैं इस साड़ी को पहनूंगी पूरे 2 साल बाद। फाइनली हम 2 घंटे के बाद पहुंच गए हैं, और अभी बारात वगैरह कुछ भी नहीं आई है, अक्षु दादा के साथ है। और यह है पूरा लुक, और मम्मी कह रही, और मम्मी देखो मम्मी ने वाली साड़ी पहनी है, मम्मी कह रही मेरी फोटो खींच, पापा आप भी आ जाओ। और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, दीदी लोग का वेट कर रहे हैं अभी हम, तो आएंगे अभी। सो यहाँ पे है अभी सेल्फी पॉइंट, और यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे मैं मम्मी की फोटो क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे लड़की वाले तो दूर, लड़की वाले भी नहीं आए थे अभी, तो हमने फिर खाया थोड़ा बहुत स्टार्टर वगैरह, अब शुरू भी खिलाया, उसके बाद गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे। फिर शादी में एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े थे घर पे, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, अभी टाइम हो गया था 12, और जैसे हम ड्राइव वाले में पहुँचे ऐसे ही फाटक बंद हो गया, जस्ट उसी टाइम फाटक बंद हुआ, और इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था ना, आप देख सकते हो पूरी कार बिल्कुल एकदम वाइट हो रखी है, वैसे ऐसे पता ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जो उंगली फेर रही हूँ ना उसको आप देखो, इससे आप आइडिया लगा लेना कितना कोहरा लगा होगा, ये देख सकते हो आप। जैसे फाटक खुला हम घर आए और सीधे सो गए।